चलिए देखें, तो फॉर लूप का अगर कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, तो फॉर के बाद आ जाता है वाइल लूप, ठीक है? फिर यहीं पे आप समझ सकते हो, इक्लिप्स पे ही समझ लो आप, इक्लिप्स पे भी समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर के बाद आ जाता है वाइल, तो वाइल लूप के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, फॉर लूप का जैसे सिंटैक्स होता है, ऐसे वाइल लूप का भी अपना एक सिंटैक्स होता है। वाइल लूप का सिंटैक्स बहुत ही आसान है, बस आपको वाइल लिख देना है और कुछ नहीं, बस आपको वाइल लिखना है, ठीक है? पैरेंथेसिस लगाना है, ओपनिंग क्लोजिंग करना है, बस हो गया वाइल लूप, यही होता है और कुछ नहीं ना। हाँ, यहाँ पे आपको कंडीशन देना होता है। तो वाइल लूप का सिंटैक्स है, वाइल लिखिए, पैरेंथेसिस लगाइए और बीच में यहाँ पे कंडीशन देना है, यहाँ पे कंडीशन देना है। तो ये कंडीशन जो भी आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो, इस कंडीशन के बाद ये ब्रेक हो जाएगा। जैसे 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 मैंने लिख दिया आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ये कंडीशन भाई। टर्मिनेशन पॉइंट बता दिया ना आपने, यहाँ पे इंट करके एक आई वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, आई इक्वल टू 0। तो जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 होगी, तब तक ये काम होता रहेगा। एस वाई एस ओ करके सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंटलाइन के अंदर आई को प्रिंट कर लो। लेकिन अभी एक चीज मुझे बताओ, ये भी प्रोग्राम चलेगा, आई की वैल्यू कितनी है? आई की जीरो वैल्यू 0 है, तो आई की वैल्यू 0 है, तो ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू ही नहीं हुआ, है ना? मतलब आई की वैल्यू 0 के लिए, अब इसको तो हमें बढ़ाते रहना है ना आई को, तो आई को प्लस प्लस भी तो करना पड़ेगा यहाँ पे अलग कहीं। अब इसको आप चलाइए, रन करिए, देखिए वो कहीं पे ये एरर दिखा रहा है, रुको रुको, ये कहीं, अच्छा ये वाला एरर है यहाँ पे। मान लो आई प्लस प्लस आप नहीं लगाते हो, तो इसको एक बार तो दिखाना ही चाहिए। जरूरी तो क्योंकि कंडीशन, ये कंडीशन 0 0 0 0 0 0 0 के लिए चलता चला जा रहा है, इनफाइनाइट कंडीशन हो गया ना। ओ जब इसकी वैल्यू 0 0 इज लेस देन इक्वल टू 10, हाँ, तो आप इसकी वैल्यू बढ़ाओ तो सही, इसकी वैल्यू लाओ तो सही वहां तक। अब ये तो 0 से आगे जा ही नहीं रहा है ना, जैसे इसकी वैल्यू हुई 10, ये रुक गया। भाई आई की वैल्यू कितनी थी? 0। सर 0 इज लेस देन इक्वल टू 10, हाँ ठीक है। तो एक काम करो, 0 को प्रिंट करके आई की वैल्यू बढ़ा दो 1, 1 बढ़ के इसकी वैल्यू 0 से बढ़ के हो गई 1, तो आई की 0 चला, फिर 1 चला, फिर 2 चला, फिर 3 चला, फिर 4 चला, फिर 10। जैसे उसको 10 मिला, कंडीशन क्या हुआ? फॉल्स हुआ, लूप ब्रेक हो गया। ये जो दिया है आपने, दैट इज कॉल्ड कंडीशन, यहाँ पे जो दिया है। वो हाँ? हो गया फाइनाइट तो इसे बना दिया ना हमने कंडीशंस देके। आप भाई, अगर जैसे मान लीजिए कि मैंने ये प्लस प्लस नहीं किया, तो आई की वैल्यू कितनी रही अभी? तो फाइनाइट 0 इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है? फिर है क्या? तो जब जी कह रही हो, फिर उसके बाद चलता चला जाएगा ये। 0 इज लेस देन इक्वल टू 10, 0 इज लेस देन इक्वल टू 10, 0 इज लेस देन इक्वल टू 10, वो भूल ही नहीं रहा अपनी बात को, रिपीट करता चला जा रहा है वो, है रोबोट बन गया ये। 2.0 रोबोट 2.0। ये देखिए आगे, अभी आप चाहो तो इसको स्पेसिफिक कंडीशन दे के उसको टर्मिनेट करा सकते हो। देखो, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये वाइल लूप फॉर लूप लूप के ही तरह है, तो लूप ही का काम करेगा। अगर इसमें आपने कंडीशन फाइनाइट दे दिया, तो फॉर लूप की तरह हो जाएगा, और इनफाइनाइट दे दिया तो इनफाइनाइट भी चल जाएगा। यहाँ पे अगर तुम केवल ट्रू लिख दो, ये लूप चलता ही चला जाए, हाँ ट्रू, बस यहाँ ट्रू पास कर दो, ये जिंदगी भर चलता चला जाए, कभी तो रुकेगा ही। फॉल्स वॉल्स नहीं होता है, बस ट्रू ट्रू लिख दोगे तो ये इनफाइनाइट चल जाएगा, ये चलेगा ही नहीं, फॉल्स के लिए तो चलेगा ही नहीं। यहाँ पे ये मैंने ट्रू डाल दिया, तो ये हमेशा चलता चला जाएगा, ये इनफाइनाइट इनफाइनाइट चला जाएगा, हेलो 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 प्रिंट होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से टर्मिनेट कर देते हैं, यहाँ पे FALSE फॉल्स पास कर दिया, तो ये देखो फॉल्स के लिए यहाँ पे एरर आने लगा, फॉल्स के लिए एरर आने लगा।
ठीक है, इंक्लूड कंडीशन, फॉल्स नहीं हो सकते, केवल ट्रू पास कर सकते हैं, ठीक है, एरर आने लगा था। दूसरा चीज, अगर आपको जी ये कुछ नहीं दे रहे हैं, अच्छा, ये कह रही हो आप ट्रू दे के कंडीशन दे दे अंदर, हाँ बिल्कुल तब चल सकता है। लेकिन अब बात यहाँ पे ये है कि आपने ट्रू लगा दी और कंडीशन आप लिखिए तो सही, आप यहाँ पे आपने लिखा तो नहीं ना कहीं पे कितने बार चलेगा वो लिखिए, हाँ ट्रू के बाद आप यहाँ पे कंडीशन लगाइए, यहाँ पे आपको अब लॉजिक लिखना पड़ेगा, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि अगर आई की वैल्यू इतना हो गया तो लूप ऐसे ब्रेक हो जाए, तो उसके लिए आपको ब्रेक करना पड़ेगा उसको, जैसे मैं करके दिखाता हूँ, मैंने वाइल लूप चलाया उसमें ट्रू डाल दिया और यहाँ पे इंट आई की वैल्यू ऊपर जीरो है, आई की वैल्यू जीरो है और इसको मैं एक वैल्यू यहाँ पे बढ़ाऊंगा, यहाँ पे आई को वैल्यू प्लस प्लस करूंगा और यहाँ कंडीशन लगा देता हूँ कि इफ आई की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल्स टू 10 हो जाती है तो एक काम कर देना, लूप को वहीं पे ब्रेक कर देना, ऐसा कंडीशन लगाया जा सकता है, बी आर ई ए के ब्रेक कर देना, ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसा कंडीशन हम लगा सकते हैं और यहीं पे नहीं तो आई को प्रिंट करा सकते हैं, तो उसको हम ब्रेक नहीं, ऊपर आई प्लस पर लिखा नहीं गया है, अच्छा ये बगल में जो ओपन हो रहा था इस पे जब आप क्लिक कर दोगे तो छोटा हो जाएगा, ये देखो ये प्रोजेक्ट आ गया, अच्छा जो रन करते टाइम पे आया था, रन करेंगे अपने आप आ जाता है, ये राइट क्लिक करके रन एज इसी प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक कर दीजिए या इस फाइल पे यहाँ पे रन पे क्लिक कर दीजिए, देखिए यहाँ पे रन वाला बन रहा है, ठीक है, ये तो आउटपुट कुछ भी नहीं दिखाया, कुछ भी आउटपुट नहीं दिखाया, रीजन क्योंकि आई की वैल्यू बढ़ी, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, ब्रेक हो गया ना यहाँ पे, तो ये ब्रेक वाला लाइन यहाँ लगाते हैं, ठीक है, ये देखिए 1 आया, तो ये 1 ही क्यों आया, अगला वाला क्यों नहीं आया, सब ब्रेक हो गया भाई साहब, आई प्लस प्लस हम तो चाहते थे ये बढ़ता चला जाए ना, वाइल लूप में आया कि आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तो आई प्लस प्लस नहीं तो 0 प्रिंट करके दिखा देगा ना, इफ अरे अगर आई की वैल्यू इतना है तो इसको ये एक बढ़ाता रहे और नहीं तो एल्स ये ब्रेक हो जाए, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, तो इफ एल्स भी इसमें लगाया जा सकता है, देखिए ठीक है, नहीं तो फिर इफ एल्स के बगैर फिर वो कब टर्मिनेट होगा, कंडीशन ये भी तो है, वो एक ही बार चला के वो टर्मिनेट करके निकल जा रहा है, तो यहाँ इफ एल्स का भी कंसेप्ट समझ में आ गया कि इफ के अंदर वो हम कंडीशन दे देते हैं जो हमें चाहिए, एल्स नहीं तो जो हमें करवाना है, तो ट्रू दे के भी ऐसे काम कर सकते हैं। अच्छा वाइल के अलावा एक होता है डू वाइल, तो हाँ ना ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना, जहां पे नहीं होता तो जब आप वाइल के साथ अगर ये नहीं लगाना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी इस पर्टिकुलर जो एरिया है जहां पे हमने ट्रू लिखा हुआ है यहीं पे आपको कंडीशन देना पड़ेगा, यहीं पे आपको कंडीशन देना पड़ेगा कि आपको कहां तक चलना है, जैसे टेबल वाला प्रोग्राम था, तो टेबल वाला प्रोग्राम अगेन वाइल लूप से भी बन सकता है, बनाओ आप बस यहां पर लिख दो इंटर द नंबर फॉर टेबल, ठीक है, और यहाँ चला दीजिए स्कैनर एस इक्वल्स टू न्यू एस सी ए स्कैनर और यहाँ लिख दीजिए सिस्टम डॉट इन, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं एस
एस डॉट नेक्स्ट इंट, यहाँ पे देखिए सारे मेथड भी आपको दिखा देते हैं तो आसान है थोड़ा। इंट आई, ठीक है, या इंट नंबर ले लेते हैं। ये मैसेज जो हमने यहाँ लगाया है इसको कट करके यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। अब क्या करिए, आपको क्या करना है, दस तक करना है तो i इज लेस देन इक्वल टू 10 और यहाँ लिख दीजिए i int i इक्वल टू 1। तो एस वाई एस को i मल्टीप्लाई बाई 10 बस, तो फिर आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है। अभी कोई और चीज बंद करना है, ठीक है। अब इसको रन करिए, रन एज जावा, इंटर द नंबर। ओहो, 2222 क्या कर दिया मैंने, आई की वैल्यू बढ़ाया नहीं ना, आई प्लस प्लस, ठीक है, ठीक है, इंटर द नंबर। देखिए आपने स्कैनर से इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद आपने उसको एक वेरिएबल में होल्ड कर लिया, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, आपने इफ लूप, यहां इफ एल्स तो नहीं लगाया, डायरेक्ट आपने आई इज लेस देन इक्वल टू 10 कर दिया। तो जब तक आई इज लेस देन इक्वल टू 10 होगा, मतलब होगा नहीं, ये मैं उसको बढ़ाता चला जा रहा हूं और इसे मल्टीप्लाई करता चला जा रहा हूं, दैट्स इट। तो ये है व्हाइल। डू व्हाइल में क्या होता है बेसिकली, बताइए कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ। डू व्हाइल, देखिए व्हाइल लूप में आप कंडीशन देते हो, जब तक आपका कंडीशन सही है, मैच करता है, तब तक ये काम होता रहेगा होता रहेगा, ठीक है। लेकिन डू व्हाइल में क्या होता है, डू व्हाइल का मतलब होता है कि कोई भी काम है उसको आप चाहते हो कि एक बार हो ही हो और जब तक कंडीशन मैच करे। अच्छा देखिए, एक एक चीज समझते हैं हम यहाँ पे। सपोज करो स्टार्टिंग में ही आई की वैल्यू कितनी हो गई, कितनी हो गई, 11। तो बताओ कंडीशन मैच किया नहीं, नहीं मैच किया, तो क्या व्हाइल लूप में जाएगा वो, नहीं जाएगा, और आपको कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा, कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा, नथिंग, कुछ भी नहीं मिला ना, नहीं मिला ना, ठीक है। हाँ जी, अच्छा डू वाइल का क्या सिंटैक्स होता है, डू वाइल का सिंटैक्स कुछ ऐसे होता है, मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ये पूरा लाइन, ठीक है, कमेंट कर दिया, अपने आप कैसे हो गया, कंट्रोल के साथ मैंने किया है। डू ओपनिंग क्लोजिंग एंड देन वाइल, ओपनिंग एंड देन सेमी कॉलन, ऐसे लिखा जाता है, डू वाइल ऐसे लिखा जाता है। डू मतलब कोई काम है उसे कर ही दो, एटलीस्ट उसे कर दो, जैसे मैंने हेलो लिख दिया, इसे कर दो, ठीक है। और वाइल मतलब कंडीशन जब तक मैच करे, जब तक जैसे मैंने लिख दिया, मान लो फॉर एग्जाम्पल एंड आई इक्वल टू 10, तो i इक्वल इक्वल टू 10, ठीक है, क्या हुआ, हाँ खांसी आ रही है। तो ये do हो गया, अच्छा यहाँ पे क्यों एरर आने लगा, यहाँ पे एरर क्या दिखा रहा है ये, यहाँ देखते हैं क्या दिखा रहा है, कह रहा है इन